हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। इस सेशन में मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हिंदी में हम लोग प्रक्षेप्य गति भी बोलते हैं, उसके शानदार क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। आप लोग कोई से भी एग्जाम ले लो, एक क्वेश्चन आप लोगों को इससे देखने को मिलता, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति की अगर हम लोग बात करें, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज आप लोग फेंकोगे, या अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग फॉर एग्जांपल या फुटबॉल को किक मार रहे हो, या बॉल को फेंक रहे हो, या कुछ धनुष से बाण छोड़ रहे हो, या बंदूक चला रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी मिलेगी ना। हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड मिले, हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड मिले। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात को? और दोस्तों जिस भी डायरेक्शन में आप लोग फेंक रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा ना। हो सकता है 10 डिग्री हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें आप लोगों से तीन चीजें पूछी जाती है। कौन कौन सी? एक तो आप लोगों से रेंज, जिसे परास भी बोलते हैं। रेंज का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे आपने यहां से फेंका तो मैक्सिमम कितना गया, ये वाली, जैसे ये मान लो दोस्तों यहां तक गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो एक तो आप लोगों से एग्जाम में रेंज के बारे में पूछा जाता है, यानी परास के बारे में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? जब आपने इसको फेंका, ये यहां से यहां पर गया, तो टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां पर, यानी उतने समय के लिए वो फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हिंदी में हम लोग इसे उड्डयन काल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज क्या पूछी जा सकती है कि जो ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु था, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, वो आपकी जमीन से मैक्सिमम कितनी हाइट पे था। जैसे जैसे इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा ना, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं जा रहा ना, तो ये जमीन से कितनी हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है। तीन चीजें पूछी जाती है, तीनों के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। फॉर्मूले में बता देता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं, मैक्सिमम हाइट का अधिकतम ऊंचाई का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल का क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। सिंपल है, 2u साइन थीटा बाय जी। और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, जैसे आप लोग क्वेश्चन करोगे, आप लोगों को सब कुछ अपने आप समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चंस करोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट और मैं यहां पर बताता हूं। देखो अगर आप लोग ये थीटा को चेंज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर आप लोग थीटा को चेंज करोगे, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कि ये मैं कोई है ना, कुछ ये पेन फेंक रहा हूं मान लो ये, तो अगर मैं इस एंगल पे फेंकूंगा तो अलग दूरी पर जाएगा, इस पे फेंकूंगा तो अलग दूरी पर जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, रेंज जो है ना वो थीटा पर डिपेंड कर रही है। आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर मैं चाहूं रेंज मैक्सिमम हो तो थीटा का क्या मान होना चाहिए। आप किसी चीज को बहुत दूर फेंकना चाहते हैं तो दोस्तों आप में एक लिमिटेड पावर होगी, U का मान एक लिमिटेड है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये मान भी लिमिटेड है। आप क्या चेंज कर सकते हो? एंगल। तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? साइन का मैक्सिमम मान हो सकता है कितना? 1। और ये कब होगा? जब ये एंगल का मान होता है 90, तो 2 थीटा का मान 90 होगा तब मैक्सिमम होगा। यानी थीटा का मान जब 45 होगा ना, जब ये एंगल 45 होगा ना, तो ये बहुत दूर जाएगी, मैक्सिमम जाएगी, इससे दूर पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए बताइए बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है u, और इसकी जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम परास है, उसको इससे डिनोट किया है। तो आप लोगों को पूछा गया है u क्या होगा। अब मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज अभी ये बताई थी, जैसे मान लो ये जमीन है,
तो अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रेंज मिल रही है, इसका मतलब जो भी वस्तु आपने फेंकी है वो कितने एंगल पे फेंकी है, 45 डिग्री पर फेंकी है। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका मान 45 होगा। तो 45 × 2 = 90, मतलब कुल मिला के ये वाला मान 1 होगा। तो R मैक्सिमम बराबर U स्क्वायर बाय G, और U का मान क्या हो जाएगा आप लोगों का, अंडर रूट R max इंटू स्मॉल G। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर D क्लियर है। C कहां लगा रहे हो आप, चले आगे। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कैनन से 200 मीटर पर सेकंड के वेग से गोला दागा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैनन क्या होता है, देखो ये होता है कैनन, ये होता है, इससे गोला दागा जाता है ना, गोला आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो इससे आप लोग कोई गोला दाग रहे हो, ठीक है। अब इसको हटा दूं, समझ गए कैनन क्या है, चलिए सर है ना। तो कुल मिला के इसको मान लेते हैं दोस्तों, हम लोग ये जमीन मान लेते हैं। अब यहां पर कोई कैनन रखी हुई है, कैनन उससे क्या दाग रहे हो आप, गोला दाग रहे हो, ठीक है दोस्तों। गोला जो दाग रहे हो उसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग जो उसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 200 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कितने एंगल पे, 30 डिग्री पर। आप लोगों से क्या पूछा गया है, इसके द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास क्या है, कितनी दूरी पर जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी अचीव करेगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो रेंज का फॉर्मूला जानते ही हो, लगाओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 200, ठीक है। तो 200 × 200, थीटा का मान कितना है 30, 2 थीटा का हो जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी दे रही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैसे तो 9.8 होता है, बट ये बोल रहे 10 ले लो, तो ठीक है ये बोल रहे 10 तो ले लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 20 कैंसिल हो गया, 2 से कितना बचा, 10 बचा, तो ये कितना आ गया, 2000 × √3, इतना मीटर। 2000 को क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 × 10³ बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो सर। बताइए कौन सा आप लोगों का ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है, सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले नेक्स्ट पे, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ दोस्तों, एक आपके पास में स्टोन है, पत्थर है, जिसको 37 से 60 डिग्री के कोण पर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ये जमीन है आप लोगों की, अब कोई पत्थर है, कोई पत्थर है उस, या कुछ भी मान लो कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको आप प्रक्षेपित कर रहे हो, इसका प्रारंभिक वेग कितना मिला, 100 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों क्षैतिज से कितने एंगल पे कर रहे हो, 60 डिग्री पर। आपको यह बताना है कि इसकी यार मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, यू स्क्वायर साइन 2θ/2g, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। नहीं दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, देखो रेंज का फॉर्मूला होता है, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, यू स्क्वायर साइन 2θ/g, हाइट मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा ये ना, आई एम सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। चलिए अब वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए, ठीक है। U की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है, तो 100 दो बार आएगा, 100 को मैं 10^2 बोल सकता हूं क्या, तो बेसिकली इसका स्क्वायर करना है, तो ये 10^4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। थीटा का मान कितना है, 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन आपको उसका स्क्वायर करना है, तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। नीचे आपका 2g है ही, 2g की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो हम लोग 9.80 लेंगे। दोस्तों सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो इसको मैं अभी 10 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10^3, ठीक है। ये 4 × 8
1000, ये 1000 ही तो है, तो 1000 को काटा दोने कितनी बार में, 500 बार में। 500 को काटा चार ने कितनी बार में, 125 बार में। सही है। अब 125 इंटू तीन कितना हो जाएगा, 375 के आसपास, 300 इसके आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई, चले आगे। अरे चले क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं, बताइए इसका आंसर। एक पिंड को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगने वाला समय बताओ। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। यू स्क्वायर साइन, दोस्तों फॉर्मूला तो सही लिख रहा हूं ना मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है ना। चलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू की वैल्यू कितनी थी, 49, 49 का स्क्वायर कर दो, एंगल कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इधर 2 है ही, जी क्या हो जाएगा 9.8 होता है ना, तो ठीक है 9.8 की जगह मैं 98/10 लिख देता हूं। सॉल्व करें, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। देखिए 98 ही कैंसिल हो गया 49 से, कितने बार में, दो बार में कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहां पर आप लोगों का 10 कैंसिल हो गया 2 से 5 टाइम में, अब ये आप लोगों का क्या बच रहा है, 49 इंटू 5 बाय 8। देखो अब कैसे करें, सब सही किया ना 49, ठीक है ना। हाँ अब देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। अगर ये 8 होता, 48 होता, कुछ गलती करी अपन ने ना, मेरे से आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा समय पूछा है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों से ये नहीं पूछा गया कि अधिकतम ऊंचाई कितनी गेन करेगा, नहीं। दोस्तों ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, हमने गलती कर दी है, गलती कर दी है, क्या कर दी है समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो जैसे ये भैया, ये आप लोगों का कोई वस्तु जब ऐसे जाएगी, कोई पिंड ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये दोस्तों ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट, तो बोला जा रहा है यार यहां से यहां पर आने पर ये कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना समय आपको यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे लगेगा, उतना ही समय हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगेगा, और ये टोटल टाइम को ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल बोलते हो आप लोग। तो उड्डयन काल क्या होता है, 2u sin θ/g, लेकिन ये तो टोटल हो गया यहां से यहां तक का, हमको कहां पर निकालना है, केवल यहां से यहां तक का ही निकालना है, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, दो से भाग लगा तो ये कट जाएगा, तो u sin थीटा बाय g, u का मान कितना है 49, sin थीटा कितना है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, g की वैल्यू आपको बताइए 9.8 होती है, इसको मैं 98/10 लिख दूं, 10 चल जाएगा आप लोगों का ऊपर, तो 98 कैंसिल हुआ 49 से 2 टाइम्स में, 10 कैंसिल हो गया 2 से 5 टाइम में, 5/2, 2.5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है, चले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताओ यू मीटर पर सेकंड की समान गति से सभी दिशाओं में बड़ी संख्या में गोली चलाई जा रही है। दोस्तों जैसे मान लो गन है, गोली चला रहे हो सब दिशा में, डुन 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 डुन, अब आपके ऊपर है, आप ऐसे भी चला सकते हो, डुन 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 डुन, ठीक है। आप लोगों से ये बोला गया है, जैसे मान लो ये गोली चला रहे हो आप, है ना, सॉरी, जैसे मान लो आप यहां पर हो, गोली चला रहे हो, आप चारों दिशाओं में चला रहे हो, कुछ गोली यहां पर जाके गिरेगी, कुछ यहां पर, 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 आपको बोला जा रहा है वो मैक्सिमम एरिया बताओ जहां तक गोलियां जाएगी,
तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये एरिया मैक्सिमम हो, तो ये रेंज जहां पर आप खड़े होकर चल, ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना, ये ज्यादा होनी चाहिए ना, कोई भी गोली बहुत दूर तक जानी चाहिए, यानी जो रेंज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो पहले ये रेंज निकाल लो, ये मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, पहले रेंज निकाल ले। तो सर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा का मान 45 होगा, 45 दूनी 2 90, तो मतलब ये वाला मान कुल मिला के जब 90 होगा ये, तो रेंज की वैल्यू आ गई आपके पास में यू स्क्वायर बाय जी। ये रेंज की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाय जी आ गई। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, तो सर्किल का जो एरिया होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई रेडियस का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो यू की पावर 4 बन जाएगा, जी का करोगे तो जी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पाई यू की पावर 4 जी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। योगेश शर्मा जी ये व्हाट्सएप नंबर है, लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है योगेश शर्मा जी, ये व्हाट्सएप नंबर है 7374019437, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, लिंक भेज दीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताएंगे। एक पिंड को, अब दोस्तों ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताइए, जब कण को, कोई पार्टिकल को लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, बिल्कुल आप लोग कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, बिल्कुल इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, मानते हैं इसका प्रारंभिक वेग u है, दोस्तों हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो आप लोगों को बताना थीटा कितना होगा, थीटा क्या होता है, हॉरिजेंटल से कितना एंगल है, थीटा का मान 90 होगा, जीरो होगा क्या, जीरो होगा क्या, नहीं होगा, तो थीटा का मान 90 होगा, ठीक है। आप लोगों से एच के बारे में पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, तो यू स्क्वायर बाय 2g क्या हो जाएगा आप लोगों का, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। दोस्तों रेंज बताओ, रेंज आप कॉमन सेंस लगाओ, आप बिल्कुल ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो, क्या ये हॉरिजेंटल को डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, आंसर जीरो आएगा। आप फॉर्मूला में रख के पुट करके देख लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो थीटा की वैल्यू 90 into 2 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। आंसर बताइए, एक बंदूक है जो 98 मीटर पर सेकंड की गति से गोली छोड़ती है, जब बंदूक को 45 डिग्री पर ऊपर उठाया जाता है ना, बंदूक को 45 डिग्री पर उठा रहे हो आप, इसका मतलब बंदूक वो गोली बहुत दूर जाएगी, मैक्सिमम रेंज पर जाएगी, ठीक है। तो परास जब आपने 45 डिग्री पर उठाया ना, तो आपको रेंज कितनी मिली, इतनी मिली, मिलनी कितनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी सर यू स्क्वायर, अगर आइडियल कंडीशन देखे तो सर इतनी रेंज होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, लगा के देखो यू का मान कितना दिया हुआ है, 98 का स्क्वायर करो, 98 into 98, थीटा कितना है, 45, तो मतलब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, जी की वैल्यू 9.8, तो ये हो गया आप लोगों का 10, तो 98 into 10 980 मीटर मिलना चाहिए था, जबकि जा कितनी रही है, केवल 900 मीटर, क्यों सर, क्योंकि दोस्तों एयर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम लोग ये मान के चलते हैं एयर का कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, बट होगा तो सर ही ना, तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से रेंज कितनी कम हो गई, होनी चाहिए थी 980 मीटर, मिल कितनी रही है 900, कितनी मीटर कम हो गई, 80 मीटर, समझ में आ गई। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आंसर बताइएगा।
बताओ दोस्तों, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। क्रिकेटर है ना, गेंद को मैक्सिमम कितनी रेंज तक फेंक सकता है? 100 मीटर। तो कुल मिला के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100। ये भी मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा का मान 45 होगा। तो कुल मिला के यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 100 हो सकती है। तो यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100 इंटू 9.8 यानी कितना हो जाएगा? 980। और यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 980 मीटर हो सकती है, अंडर रूट है ना। अब बोल रहे उसी गेंद को क्रिकेटर जमीन से कितने ऊपर फेंक सकता है? अगर उसको बहुत ऊपर फेंकना है, हाईएस्ट कितने पॉइंट पे फेंक सकता है? तो सर अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करी जाए, मैक्सिमम हाइट, ये नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, नहीं, ये बोल सकता है कि ऊपर कितनी ऊपर फेंक सकता है। तो दोस्तों क्रिकेटर इस वेग से फेंक पा रहा है बॉल को, तो अगर वह पूरा का पूरा वेग ऐसे दे तो बॉल बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है, बॉल बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। तो कितने ऊपर फेंक सकता है, कितने ऊपर फेंक सकता है? तो सर इनिशियली बॉल की वेलोसिटी थी अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी इसका वेग कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। जहां पर इसका वेग जीरो हो जाएगा ना, वो हाईएस्ट पॉइंट होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते ही हैं, लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां से यहां के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। इनिशियली कितनी थी? अंडर रूट 980, इसका स्क्वायर करोगे 980 प्लस 2, एक्सेलरेशन का मान -9.8। अभी देख लेना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही तो निकालना है आप लोगों को। तो ये एस का मान हो जाएगा -980 बाय -2 इंटू 9.8। क्लियर, ये कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखो आप लोगों का कितना चल जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 बटे दो 50 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए साइंस का कंप्लीट कोर्स दोस्तों मेरे द्वारा चलाया जा रहा है एप्लीकेशन पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट चारों सब कुछ डिटेल में, थ्योरी बैच है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इसके साथ में आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है जिसका प्राइज है 300 रुपए। चैप्टर वाइज टेस्ट दिए गए हैं, एक चैप्टर पढ़िए टेस्ट लगाइए, चैप्टर पढ़िए टेस्ट लगाइए, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ है, एक साल की वैलिडिटी है, जब परचेज करेंगे तब से एक साल तक का आप लोगों के पास में क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा। ज्वाइन कैसे करना है? प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप को इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर मिल जाएगा जनरल साइंस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, इसको जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।